तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो आज को ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं होगा हमारा, इनफैक्ट कुछ क्यू एन ए सेशन होगा। और क्यू एन ए सेशन ये मैं वॉलंटरी इसको आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ग्रुप्स में, काफ़ी फेसबुक जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, कम्युनिटी पोस्ट है और कई फोरम्स हैं, उनमें एक सिमिलर प्रॉब्लम्स और ये लोगों के सवाल दिखे हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पर ही क्यू एन ए सेशन कर लेता हूँ, ताकि हो सके फ्यूचर में कोई ढूंढ रहा हो उसको तो उसको ये मिल जाए। हाँ, तो बढ़ते हैं कुछ शांत सी लोकेशन पे जहाँ पे ज़्यादा लोग वोग नहीं है। तो यार देखो, जगह तो कुछ शांत कुछ मिली नहीं, तो मैं सोचा यार क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, तो यही चलते फिरते आपको जवाब दे देता हूँ। तो पहला जो कंसर्न है, जो मोस्ट लोगों का कंसर्न मैंने देखा है, वो लोग बोलते हैं यार फ्रांस, हमने सुना है नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, तो यहाँ पे वेजिटेरियन फूड कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? तो उसका जवाब है, देखो वेजिटेरियन आपको सब कुछ मिलेगा। एक टाइम शायद ऐसा था जब इतनी वेजिटेबल इतनी पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में तो आपको घिया, लौकी, टिंडे ये सब भी मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलता है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे सब्जियाँ देखी है मैंने जो आपको मतलब हमारे देश में भी नहीं मिलेगी, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, और इसके रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट शायद आपको कम मिले, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में वैरायटी वेजिटेरियंस की इतनी नहीं है, लेकिन आपको घर पे अगर कुक करके खाने की आदत है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत 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 वैरायटी है। तो इस बात की आप टेंशन छोड़ दें कि हम अगर फ्रांस में आ गए तो हम वेजिटेरियन हैं। इनफैक्ट कुछ हमारे जैन भाई हैं जो प्याज और ये सब भी नहीं खाते, तो नॉर्मल दूर की बात, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो जो सेकेंड टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो मैं पहले से ही उन से लोगों से अपोलोजाइज करता हूँ अगर मैंने किसी के सेंसिटिव चीज़ों पे हर्ट किया, लेकिन जो भी हो इसको एड्रेस तो करना ही है ना, इस प्रॉब्लम को भी जो लोगों के अंदर मिथ है। तो दूसरा मिथ है, लोग सोचते हैं यार कि फ्रांस में आजकल ऐसे कानून निकल रहे काफ़ी इस्लाम फोबिक हो चुके हैं, तो क्या फ्रांस में इस्लाम धर्म, आप अगर आप इस्लाम के हो तो क्या आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या? ऐसा काफ़ी लोगों के मन में डर होता है। तो इसका जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अच्छे खासे मॉस्क हैं, लोग जाते हैं फ्राइडे प्रेयर्स के लिए, और हाँ पब्लिक प्लेस में आपको आप अपना रिलीजियस अफेक्शन नहीं दिखा सकते, जैसे ये सबके लिए है। इनफैक्ट क्रिश्चियन के लिए हो, यहूदी हो गया या फिर सरदार हो गया, कोई भी, आप पब्लिकली ऑन स्ट्रीट्स अपना रिलीजन का एसोसिएशन नहीं दिखा सकते। इनफैक्ट स्कूल कॉलेज इसमें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है, बाकी एज अ कंट्री आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपना फ्रीली रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको हलाल मीट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोशर मीट जो यहूदी लोग खाते हैं उनके लिए मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे मंदिर भी है, गुरुद्वारे भी है, चर्च तो है ही है, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये भी आप बेफिक्र हो जाए कि ऐसा जो न्यूज़ में दिखाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, लेकिन ओवरऑल आप अपना रिलीजन फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड चीज़ पूछते हैं लोग सिटीजनशिप के लिए, काफ़ी लोग चाहते हैं कि जो खासकर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनका प्लान होता है कि यार पढ़ाई करके उसी कंट्री में सेटल हो जाओ फिर वहीं की सिटीजनशिप ले लो। और काफ़ी आजकल न्यूज़ में उड़ रहा है कि सिटीजनशिप जो जो यहाँ पे भी पैदा हो रहे हैं फॉरेनर्स, उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। तो देखो, बात तो सही है कि स्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन उस पर मना नहीं किया है किसी को भी कि सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी या आपको हम वो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिक्ट ज़रूर कर दिया है। और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं सिटीजनशिप ले लेते हैं फिर उस चीज़ को मिसयूज़ करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ उन्होंने रोक दी है। तो जो कि घबराने वाली बात है, अगर कोई बंदा सही इंटेंशन से आ रहा है, सही इंटेंशन से नेशनलिटी ले रहा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं नेशनलिटी लेते हैं सिर्फ पासपोर्ट के लिए, उसके बाद अपने मुल्क की जगह बस जाते हैं, ना या किसी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ना कुछ करते हैं, तो वो चीज़ ना हो उसके रिगार्डिंग उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। तो जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, इनफैक्ट ये सिर्फ हमारे इंडिया से नहीं, पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से नहीं, बट वर्ल्ड ओवर लोगों का माइंड में परसेप्शन है, वो है कि फ्रेंच लोग बहुत रूड है, रेसिस्ट हैं और बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या ये सच है? तो इसका आंसर है, देखो यार दुनिया में हर कंट्री में कोई ना कोई परफेक्ट होगा, कोई ना कोई अच्छा होगा, कोई ना कोई बेकार होगा, ठीक है? तो उस ख़राब एक्सपीरियंस या अच्छे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप पूरी कंट्री को आप वो क्रिमिनलाइज या वो नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ यहाँ पे खुद ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रेसिज्म और ये सब डिस्क्रिमिनेटेड है यहाँ पे, कि बाय लॉ आप रेसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मोटो ही लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रटर्निटी है, तो रेसिज्म आप दिखा नहीं सकते। लेकिन कभी ना कभी आपको फील होगा कि हाँ यार मेरे साथ कर रहा है ऐसा कुछ ना कुछ कर रहा है। अब वो तो देखो यार इंसान है, ठीक है, इंडिया में भी होता होगा आई एम श्योर, पाकिस्तान में होता होगा, हर जगह होता होगा,
ये तो यूनिवर्सल चीज़ है। तो इस चीज़ सोच के अगर इंटरनेट पर लोग क्या करते हैं, चार ब्लॉग पढ़ते हैं और जो टूरिस्ट आते हैं खासकर अमेरिकन टूरिस्ट जो आते हैं वो लिखते हैं जी हमारे साथ स्माइल भी नहीं करी, हमारे को बदतमीजी से फैचाया वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है। तो लोगों का परसेप्शन बन जाता है यार कि नहीं यार ये लोग ऐसे यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं यार, कभी कभी इंसान है सामने वाला बंदे का मूड ख़राब होता है और उस टाइम पे आप पहुँच गए वो हो सकता है कि आपको पलट के ऐसे जवाब दे दे, इट्स नेचुरल थिंग। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे यार, इनफैक्ट वो लोग भी अच्छे ही होते हैं, किसी को मज़ा नहीं आता किसी के साथ ज़बरदस्ती रेसिज्म करने में, कोई पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होता ही है। बट जो भी हो उस टॉपिक पे हम ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑन एंड ऑल ये बहुत सेफ लोकेशन है रहने के लिए, क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है सेफ्टी रिलेटेड भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूर आएँ, मैं तो इनफैक्ट रिकमेंड करूँगा कि फ्रांस के जो बेनिफिट्स बहुत है, जो बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं, इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रांस ही बेहतरीन करता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में डाल रखा है, आप ज़रा चेक करके देखें, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप ट्रेनें बहुत चलती है यहाँ पर सब से बस यही था उस वीडियो पे, उम्मीद करता हूँ आपको एक पोस्ट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।